हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हीरो नेटवर्क में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात करने वाले हैं अल्टीमेट बायोमेट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पर, जो कि और भी अमेजिंग होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको यहाँ पर यूनिक वीडियोज़ मिलती हैं, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें क्योंकि आपको रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अल्टीमेट बायोमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले मैं आपको अल्टीमेट्रिक्स और बायोमेट्रिक्स का फंक्शन सेपरेटली बता दूं, ताकि आपको बाद में अल्टीमेट बायोमेट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को लेकर कोई डाउट ना रहे। तो दोस्तों, जो बायोमेट्रिक्स था, हम उससे शुरुआत करते हैं। तो बायोमेट्रिक्स को बेन 10,000 ने बनाया था। बायोमेट्रिक्स लेवल 20 का DNA अल्टरनेट गॉन्टलेट है, यानी कि ये बेन के दोनों हाथों में लगा होता है। बेन 10,000 ने इसे अपने स्मार्टेस्ट एलियन की पावर से बनाया था। तो जो बायोमेट्रिक्स है दोस्तों, इसमें दो ओमेट्रिक्स आपस में एक लिंक्ड होते हैं, और जब यूज़र इन दोनों ओमेट्रिक्स को एक साथ स्लैम करता है तो वो उन्हें फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। लेकिन कभी भी वो फ्यूजन एलियन बायोमेट्रिक्स में स्टोर नहीं होते, और यूज़र चाहे तो एक गॉन्टलेट को यूज़ करके नॉर्मल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो बायोमेट्रिक्स दोस्तों वॉइस कमांड पर चलता है, और उसमें मास्टर कंट्रोल भी है। कभी कभी बिना कुछ कहे भी ये यूज़र का जो रूप है वो एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। बायोमेट्रिक्स से दोस्तों, उसमें एक प्रॉब्लम है कि बायोमेट्रिक्स टेम्परली डिसेबल हो सकता है अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उसके सामने आ जाए। दोस्तों, अब जानते हैं अल्टीमेट्रिक्स को। तो अल्टीमेट्रिक्स को एल्बिडो और एजमत ने बनाया था। अल्टीमेट्रिक्स में 5 मोड्स है: एक्टिव मोड, रिचार्ज मोड, स्कैन मोड, रीसेट मोड, डीएक्टिवेट मोड और रेडिएशन मोड। एक्टिव मोड दोस्तों ओमेट्रिक्स का डिफॉल्ट मोड है। जब भी ओमेट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स यूज़ की जाती है तो ये इसमें डिफॉल्ट मोड में ही रहता है। रिचार्ज मोड में तब रहता है जब यूज़र कोई भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर दोबारा इंसान बन जाता है, और स्कैन मोड तभी यूज़ होता है जब आसपास कोई नया DNA इसके मौजूद हो तो उसे स्कैन करने के लिए स्कैन मोड ऑन हो जाता है। और रीसेट ये तब होता है जब इसे चार्ज इसमें कम हो, या फिर ये अपने यूज़र को सेव करने के लिए ये अपने आप ही रीसेट हो जाता है। और डीएक्टिवेट ये तब होता है जब ये अपने आप शटडाउन हो जाता है, यानी कि टूट चुका होता है। और रेडिएशन मोड तब होता है जब अल्टीमेट्रिक्स अपने आसपास कहीं रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। अल्टीमेट्रिक्स में भी मास्टर कंट्रोल है दोस्तों। दोनों वॉचेस में क्या डिफरेंस है, दोनों किस प्रकार यूज़र को क्या स्पेशल पावर देते हैं? तो जो बायोमेट्रिक्स है दोस्तों, वो यूज़र को दो फ्यूजन एलियंस का ट्रांसफॉर्मेशन देता है, और जो अल्टीमेट्रिक्स है वो किसी भी एलियन का अल्टीमेट फॉर्म देता है। तो दोस्तों, ये था अल्टीमेट्रिक्स और बायोमेट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा रिव्यू। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आपको यूट्यूब पे और भी वीडियोस मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं अल्टीमेट बायोमेट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पे, जो कि एक फैनमेड थ्योरी है और मुझे फैंस के द्वारा मिली है। तो चलिए अब उसके जान लेते हैं। तो अल्टीमेट बायोमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, अल्टीमेट बायोमेट्रिक्स किसी भी फ्यूजन एलियन को उसका अल्टीमेट फॉर्म दे सकेगा। अल्टीमेट बायोमेट्रिक्स में अल्टीमेट्रिक्स की तरह ही डिफरेंट मोड्स अवेलेबल होंगे, या फिर उससे ज़्यादा मोड्स हो सकते हैं। अल्टीमेट बायोमेट्रिक्स को अल्टीमेट्रिक्स और बायोमेट्रिक्स के फ्यूजन से बनाया जा सकता है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉच एवर हो सकती है। तो अल्टीमेट बायोमेट्रिक्स में एबिलिटी हो सकती है कि ये दूसरे डायमेंशन के एलियन का DNA स्कैन कर सके। तो दोस्तों, अल्टीमेट बायोमेट्रिक्स का उसे हैक नहीं किया जा सकेगा, ना ही कॉपी, और ना ही इसे एब्जॉर्ब किया जा सकेगा, जैसा कि अल्टीमेट्रिक्स और ओमेट्रिक्स को केविन ने और डॉक्टर साइको बॉस ने किया था। दोस्तों, ये हो सकता है अल्टीमेट बायोमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये एक फैनमेड थ्योरी थी, तो आप इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, फ्यूजन एलियन का जो कॉन्सेप्ट था, वो हमें बहुत पहले बेंटन क्लासिक में देखने को मिला था। अल्टीमेट बायोमेट्रिक्स बनाने के लिए बेन 10,000 और एजमत को एक साथ काम करना पड़ सकता है। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।